तो स्वागत है आपका फिर से हमारे ब्लॉग चैनल में। मेरा नाम नितीश गल्ला है एंड आई वॉचिंग नितीश गल्ला ब्लॉग। अभी टाइम सुबह के 8:30 हो रहे हैं। हाँ भाई, तो चले जाए एक बार, तू जा एक बार। ये लोग जा रहे हैं गंगोत्री और 8:30 हो रहे हैं और हम भी यहाँ से निकलने वाले। नाश्ता पानी हो गया है तो कल रुके थे यहाँ पे हम, अरे यहाँ से दिख नहीं रहा, यहाँ पे रुके हुए थे। चलते हैं यहाँ से बाइक पे सामान बांधते और 30 से 45 किलोमीटर यहाँ से अभी और है। हरसिल हरसिल जाएंगे, काम करेंगे, उसके बाद जो कहीं देखेंगे। अगर गंगोत्री का प्लान बनता है तो उसके बाद जाएंगे। कोशिश तो पूरी है हमारी। रजिस्ट्रेशन में हमने कल करवा दिया था अपना बायोमेट्रिक, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, हमने कल करवा दिया था कि टाइम लगेगा तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जा पाएंगे। तो अभी बैग बांधते बाइक पर और निकलते हैं यहाँ से हरसिल के लिए। तो अभी निकल चुके हैं हम गंग नानी से, नाश्ता पानी भी हो गया, पेट फुल है। अभी सीधे रुकेंगे हम हरसिल में। और ये कुछ रोड है, कल रात को दिखा नहीं पाए तो कैसे रोड है यहाँ पे, तो अभी देख लीजिए आप। वो बहुत ही डेंजरस रोड है यहाँ पे अभी भी, और बाइक की हालत बहुत खराब है, बाइक की हालत भी ख़राब है और हमारे तो खैर है ही हालत खराब, लेकिन मज़ा आ रहा है। उम्मीद है कुछ बाइक में इंजन ऑयल ही नहीं है। कल जो कि हम पीछे रुके थे क्योंकि रात को अंधेरा हो गया था, रात को अंधेरा ही होते वैसे, लेकिन 7:30 हो गया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी गाड़ी आ नहीं थी, जा नहीं थी, और यहाँ एकदम सुनसान हो रखा था। रात को कुछ लाइटें नहीं दिखाई दे रही थी, तो हमने बोला जो मिल गया आपको वहीं पे रुकते हैं, आगे यहाँ ठीक नहीं है क्योंकि आगे यहाँ से पहाड़ दिखेंगे आपको, और रात के अंधेरे में कुछ चीज़ें कुछ अलग ही दिखाई देती है, तो हमने सोचा वहीं पर रुकते हैं, कल मॉर्निंग को चल लेंगे। अब जो कि जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से हमें 14 किलोमीटर पीछे पीछे, आगे नहीं है, हमें पीछे, क्योंकि बाइक जो कि इंजन ऑयल नहीं था इसमें, मैं बहुत ज़्यादा आवाज़ करी थी। जहाँ हम रुके थे उसे 6 किलोमीटर आगे चले गए थे, वहाँ पे लोगों से पता किया कि कहीं इंजन ऑयल मिलेगा, तो लोगों ने मना किया, कोई हाँ बोला कोई मना कर रहा है, और पूरी चढ़ाई थी हरसिल तक। हमने फ़ोन भी किया हरसिल में, लेकिन उन्होंने बोला एक दुकान है वहाँ पर तेल मिलता है, पेट्रोल पम्प नहीं है लेकिन मिल जाएगा ऐसे बताते पूरे, लेकिन वो भी प्योर श्योर नहीं थे बताने में। तो हमने सोचा कि पीछे चलते 14 किलोमीटर, वैसे भी ऐसी ढलान थी तो न्यूट्रल पम्प यहाँ तक आ गए। आवाज़ पे आवाज़ बता रहा हूँ, इंजन पे ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई चक्की चल रही होगी पानी वाली, गड़ 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 ऐसे कुछ आवाज़ आ रही थी। अभी जो कि बड़ी मुश्किल से पीछे आए, 20 किलोमीटर पीछे आ गए हैं अभी, तो बड़ी मुश्किल से एक दुकान खुली है। ये भी जो है कि गूगल मैप पर नहीं है, तो यहाँ जो कि बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है इस चीज़ का, मतलब जो भी मैकेनिक है वहाँ बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। मौसम ये देख सकते हैं आप, पूरा बारिश वाला हो रखा है। अब तक तो कोई 20-25 किलोमीटर हम कवर कर लेते हैं, और खड़ी चढ़ाई भाई, खड़ी चढ़ाई है। अभी थोड़ा बहुत तेल जाएगा इंजन में,
हुई थी जब हम आए थे यहाँ पे बैठ गए थे। यार नीचे टेंट ही टेंट लगे हैं, चन्नी मोहाले शायद ये जिम की बात है। ये कैसी गाड़ी है ये? देखा मिलिट्री का होगा, मिलिट्री ये नहीं नहीं जे, चलो चलो जानते हो बारिश शुरू हो गई है, आराम से शायद अब हम पहुँचने ही वाले हैं, अब पहुँच गए हासिल में। देख रहे हैं आप सेब के पेड़ हैं नीचे, पूरी ग्रीनरी दिखाई दे रही है, पूरे सेब के पेड़ है, सेब अभी खा लगे। ये देख लीजिए ये पूरे यहाँ पे सेब के पेड़ हैं नीचे। ना 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 पहले काम धराली में पहुँच गए थे। जय हो प्राचीन कल्प केदार मंदिर, कल्प केदार मंदिर यहाँ पे रहती है ऑफिस में तो क्या यहाँ मंदिर ऊपर रहती है धोनी ऑफिस में जो यहाँ की पूजा करते हैं। अजीब कृषि है तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं हेलीपैड में। इतनी बुरी हालत हुई हमारी, यहाँ से गए हम 5 किलोमीटर आगे लंका पहुंचने वाले थे, लंका की जगह का नाम है लंका, वहाँ से 5 किलोमीटर था, फिर वहाँ से पीछे आए क्योंकि हेलीपैड यहाँ पे अभी आर्मी का ट्रक भी नहीं है। जब हम आए थे यहाँ पे तो यहाँ पे आर्मी का ट्रक खड़ा हुआ था, यहाँ पे दो आर्मी के जवान थे यहाँ ऊपर पे, तो हमको लगे आर्मी का हेलीपैड है, हेलीपैड जो कि आगे होगा, जो यात्री वाला हेलीपैड है वो आगे होगा, लेकिन नहीं ये वही हेलीपैड है। तो उससे क्या हुआ हमारा नुकसान, एक तो हमारा टाइम गया, दूसरे बार बारिश आई और हम पूरे भीग गए। तब जाके जो हम जब भीग भूख गए थे उसके बाद हमने ये ली क्योंकि वहाँ आगे दुकानें नहीं थी, फिर आगे सामने पे थराली या धराली 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 में दुकानें थी, तो वहाँ से ये रेनकोट लिए हैं। तो ये पहुँच गए हेलीपैड में, लगाते कैमरा और फिर निकलते हैं गंगोत्री की ओर। क्या पर अभी तो यहाँ बारिश भी शुरू हो गई है, काम तो करते हैं कैमरा लगाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। देखो ना वैसे आगे देखना, वो जूम तो काफी करता है। तो अभी ये लग गया कैमरा हर्षिल हेलीपैड में, अभी मौसम थोड़ा क्लियर हो गया है, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से गंगोत्री के लिए। अभी देखता है कितना टाइम को लाइन पे लगना पड़ेगा क्योंकि अभी जो कि यात्रा चल रही है, यात्रा सीजन पीक पे अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो लाइन पे लगना ही पड़ेगा।